वेलकम अभी तक आपने वर्डप्रेस की मोस्टली हर छोटी से बड़ी चीज का आपको आइडिया हो गया बट बिफोर इवन लॉगिंग इन सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बट इस पार्ट में जो हम सीखने जा रहे हैं दैट विल एक्चुअली मेक यू मोर एक्साइटेड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्ड प्रेस डैशबोर्ड बट बिफोर वी डू दैट लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ द लर्निंग्स आपको पता है वर्ड क्या है इट्स एन अमेजिंग कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्ड प्रेस क्यों यूज करते हैं इट्स रियली पॉपुलर थर्टी परसेंट ऑफ द वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट यूज वर्ड प्रेस डोमेन एंड होस्टिंग का आपको आइडिया हो गया है वर्ड प्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं आपने सीख लिया और वर्ड प्रेस को लॉग इन कैसे करते हैं ये भी आपने सीख लिया बट नाउ इज द टाइम टू एक्सेस द डैशबोर्ड बट बिफोर वी डू दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि डैशबोर्ड आखिर होता क्या है वट इज द डैशबोर्ड एग्जैक्टली डैशबोर्ड इज द कंट्रोल सेंटर

Control your car using that. So, WordPress dashboard B is WordPress dashboard is the brain that powers WordPress and lets you do anything and everything from that control center. Up question, who can access the WordPress dashboard? So, WordPress dashboard is meant to be handled by the WordPress admin, up you. You, the person who installed. एंड हैज एक्सेस टू एवरी थिंग ऑन द बैक इसीलिए हम इसको बैक भी कहते हैं नजर आ रही होगी विच वीव यू एन आइडिया अबाउट वट दर्ड पेस डैश बोर्ड एट इज लेकिन जहन में रखिएगा कि वर्ड पे डैशबोर्ड थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है एंड उसकी हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिखाएंगे बट इट्स यू हू एक्सेस इज द वर्ड पे डैशबोर्ड एंड यू कैन गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर यूजर्स कि वो अगर उसको एक्सेस करना चाहें अगर आप एक टीम में काम करते हैं कुछ सेक्शंस जिनके मैं मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा बट उनके बारे में जिक्र करना जरूरी है एक होता है वर्ड का साइड बार दिस साइड बार जो आपको लेफ्ट पे नजर आएगा अपने वर्ड के वर्ड डैशबोर्ड के ब्लैक में नजर आएगा दिस गिवस यू ऑप्शन थिंग्स दैट यू विल्ड प्रेस और ये इसका एक मेजर सेक्शन है एक और सेक्शन है जिधर आपको वर्ल्ड का एक वेलकम मैसेज नज़र आएगा और वो वर्ल्ड प्रेस आपसे कह रहा होगा कि डू यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट डू यू वॉन्ट टू कस्टमाइज योर साइट दैट्स अनदर मेजर सेक्शन एक और सेक्शन जिसको हम एट अ ग्लान्स भी कहते हैं शोज यू कि आपने कितनी पोस्ट अभी तक पब्लिश कर ली हैं कितने कमेंट्स आपके आगे हैं कितने पेजेस आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में एग्जिस्ट करते हैं एंड देन यू हैव एन अधर सेक्शन विच लेट्स यू क्रिएट अ क्विक ड्राफ्ट आप जल्दी से अगर एक कॉन्टेंट पीस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप वर्ल्ड प्रेस uh, के डैशबोर्ड से कर सकते हैं एंड देन देर इज़ एन अदर टू सी के वर्ल्ड प्रेस के कोई इवेंट्स हैं या न्यूज़ है उसमें क्या हो रहा है दैट्स एन मेजर सेक्शन और कुछ ही देर में हम आपको इसके बारे में सारा बताएँगे एक और सेक्शन है जो एक्टिविटी का है एक्टिविटी शोज यू कि आपके पूरे प्लेटफॉर्म पे कितने ज़्यादा कमेंट्स पोस्ट हुए हैं और उनको आप अप्रूव या डिसअप्रूव भी कर सकते हैं वहाँ से सो दिस इज़ द वर्डप्रेस प्रेस एंड आई टेक यू लाइव आप मेरे साथ चलेंगे एंड वील डू इट अ लाइव एक्टिविटी जिसपे हम देखेंगे वर्डप्रेस प्रेस क्या है और किस तरह हम इसको एक्सेस कर सकते हैं मेरे साथ रहिएगा सो so, अब हम चलेंगे वर्ल्ड की दुनिया को एक्सप्लोर करने थ्रू लॉगिंग इन एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड प्लेस डैशबोर्ड सो अपना ब्राउज़र खोलिएगा और लिखेगा uh, अपनी वेबसाइट का लिंक जो कि आपने अपनी होस्टिंग पे सेव की हुई है वी रिकमेंड ट्राइंग जीरो ज़ीरो ज़ीरो वेब होस्ट डॉट कॉम सो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिंक लिखा मैं अपनी वेबसाइट खोलूँगा मैं लॉगिन का लिंक क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरा यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी एडिड है क्योंकि मैंने रिमेंबर मी की ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है सो आई क्लिक ऑन लॉग इन and as soon as I click on login, it will give me to the world of WordPress which we call as the WordPress dashboard. अब WordPress dashboard में यहाँ पे काफी चीजें हैं देखने वाली and you would be surprised to know कि WordPress dashboard is the one area of WordPress जो आप बहुत ज़्यादा दफा देखेंगे rows और bar bar देखेंगे तो so, मैंने जिस तरह कुछ सेक्शन पहले आपको बताया मैं उनका आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा सो so, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि दो मेजर सेक्शन है एक लेफ्ट पे विच इज द साइड बार ब्लैक में जिस तरह उसका बैकग्राउंड है एंड ऑन द राइट जिसका एक वाइट सा बैकग्राउंड है तो यहां पे जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है कि ये एक मुझे ऑप्शन दे रहा है होस्टिंगर के नाम से ये आपको सिर्फ जीरो 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 वेब होस्ट म पर नजर आएगी वरना ये आपको नहीं नजर आएगी और हर वर्ड प्रेस डैशबोर्ड का थोड़ा सा कुछ एक पोर्शन विल ऑलवेज बी डिफरेंट सो इसको मैं एक्स क्लिक करके आई कैन जस्ट गेट रेड ऑफ इट सो दिस इज वॉट अमल वर्ड प्रेस डैशबोर्ड लुक्स लाइक सबसे टॉप पे वो मुझे एक वर्ड प्रेस की नई फीचर जिसका नाम है गूटनबर्ग उसके बारे में बता रहा है और मुझे बता रहा है कि मैं इसको इंस्टॉल करना चाहूँ या ना करना चाहूँ आई एम नॉट श्योर That's why I will click on dismiss. और जिस तरह मैंने आपको सेक्शंस बताए सो विल टॉक एंड वॉक यू थ्रू कपल ऑफ दीज सेक्शन और सिंस हमारा फोकस इसमें सिर्फ डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करने का तो इनकी फीचर्स हम आगे बाद में करेंगे सो वन पार्ट इज वेलकम टू वर्ड प्रेस यहाँ पे मैं कस्टमाइज को क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पे मैं एक नई अगर मैंने ब्लॉग पोस्ट एड करनी है उसको क्लिक कर सकता हूँ मैंने पेज नया एड करना है मैंने विजिट्स मैनेज करने हैं मैंने कुछ भी करना है दिस इज माय एरिया अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो आई कैन जस्ट अगेन क्लिक ऑन डिसमिस इसी तरह आपको यहां पे नजर आएगा कि एट अ ग्लान्स जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कितनी पोस्ट मैंने पब्लिश कर दी है कितने कॉमेंट्स पब्लिश कर दिए हैं कितने पेजेस हैं एक एक्टिविटी का एरिया है विथ शोज के कॉमेंट्स मैं अप्रूव कर सकता हूँ स्पैम में डाल सकता हूँ बिन में डाल सकता हूँ ये एक पूरी उसकी एक्टिविटी है एंड देन क्विक ड्राफ्ट कि जी मैंने जल्दी से क्विक पोस्ट पब्लिश करनी है तो वो भी मैं यहां पर कर सकता हूं एंड वर्ल्ड प्रेस इवेंट्स एंड न्यूज का भी एक यहाँ पे सेक्शन है समथिंग इंटरेस्टिंग आप इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं सो आई कैन जस्ट अगर मैं वर्ल्ड uh, प्रेस के इवेंट और न्यूज देखना चाह रहा हूं तो आई कैन जस्ट क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप एंड आई कैन मूव अराउंडीज विजिट्स उसके अलावा अगर मुझे कोई विजेट नहीं पसंद तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो आई कैन बेसिकली ये राय कि सारी फंक्शनैलिटी मिनिमाइज हुई हुई है ये वहां पे अवेलेबल है बट इट्स मिनिमाइज एंड देन टू मेक इट लेस क्लटर्ड आई कैन जस्ट क्लिक ऑन वन एरिया जिस तरह मुझे चाहिए एट अग्लांस so, देखें आपका वर्ड प्रेस डैशबोर्ड कितना स्लीक और स्लिम हो गया इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है विच इज द स्क्रीन ऑप्शन सो इसमें आपको नजर आ रहा है कि वो कौन कौन से आपको बॉक्सेस हैं जो वो दिखा रहे हैं आप इसको अनचेक कर सकते हैं डिसमिस कर सकते हैं या दोबारा इनेबल कर सकते हो एल एल क्लिक वेलकम अगेन सो अगर आपको याद हो गया मैंने जिस तरह पहले डिसमिस किया था और उससे चीज हाइड हो गई थी सो आई कैन ब्रिंग इट बैक यूजिंग

कि वर्ड प्रेस डैशबोर्ड आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका सेक्शन है वो है ये लेफ्ट वाला सेक्शन ब्लैक में जो आपको नजर आ रहा है ये सेक्शन आपको सारी कैपेबिलिटी देगा टू डू थिंग्स ऑन वर्ड प्रेस सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आप यहां से कर सकते हैं आप अपडेट्स देख सकते हैं कमेंट्स देख सकते हैं अपियरेंस प्लगइन्स, यूजर्स टूल्स और चूंकि अपडेट्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डैशबोर्ड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट एंड आप देखेंगे कि वो आपके सामने आपको दिखा देगा कि वर्ड की कोई नई अपडेट्स हैं कि नहीं है सो so वो अभी कह रहे हैं कि मैंने लास्ट चेक किया था अक्टूबर सिक्सटीन को आ, कुछ घंटे पहले एंड देर आर नो फ्यूचर अपडेट्स अगर आप चाहें तो यहां से ही आप वर्डप्रेस को री कर सकते हैं वो आपको दिखाएगा भी कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं और आप इसको हाइड भी कर सकते हैं सो so, मैं आपके सामने हाइड का बटन क्लिक करने लगा हूं एंड यू विल सी दैट इट विल गो अवे सो वर्ड प्रेस ने उसे अब हाइड कर दिया अगर यहां पे कोई प्लग या थीम्स होते जिसकी अपडेट रिक्वायर्ड होती तो वो भी मुझे दिखाता सो दिस सेक्शन इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज यू कि आपकी वर्ड की कौन सी अपडेट्स हैं जो जरूरी हैं सो दिस सेक्शन इज समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल दैट यू शुड सी एवरी डे बाकी कुछ फीचर्स हैं जो हम साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे इस सेक्शन में मैं आपको सिर्फ वर्ड प्रेस डैशबोर्ड के बारे में बताना चाह रहा था दिस इज द वर्ड प्रेस डैश इन इट्स ऑल ग्लोरी वील गेट टू लर्न मोर अबाउट दिस इन द अपकमिंग लेसन सो दिस वॉज वर्ल्ड प्रेस डैशबोर्ड फॉर यू